देखो आज का वीडियो ये देख रहे हो आप, साइज तीनों ड्राइंग है எல்லா सबके साथ பிம்புகள் अटैच ஓகே है। तो ये ரெண்டு बीम பிம்புகள் की डिटेल जो पहला ये फोटो बीम आपने स्टार्ट है देखा जी कैंटिलीवर वो उनका है, ये हमारा था रेडी है स्लैब यहाँ पे, लाला ठीक है। उसके ऊपर देखिए कंक्रीट टेप दिए है, ड्राइंग डिस्कस हो रहे है बार बेंडर के साथ, क्योंकि उनको समझाना पड़ता है कटिंग लेंगे कैसे क्या करना है, कितना क्या करना और कहाँ पे कितना रेनफोर्समेंट। ये कटिंग हो रहा है बीम, ये रेनफोर्समेंट क्या, और यहाँ पे ये रिंग बन रहे हैं अभी, ठीक है। रिंग ठीक है 8 mm का है और ठीक है 7x14 हमारा साइज़ है बीम का, ठीक है। उसी के हिसाब से 14x2 7x2 और प्लस करो उसका बेंडोर, बेंडोर ये बेंडोर ऊपर वो होता, ठीक है। सिंपल है, वो चीज़ कर लोगे। अभी ये बीम की प्रिपरेशन, बीम का रेनफोर्समेंट ऊपर ला रहे हैं, लाने के बाद उसको प्लेस कर रहे हैं ये लोग, देखो। तो जहाँ हमारे पास ए बी सी डी टाइप के बीम हैं, 4 टाइप के बीम हैं, लेकिन ए हमारा मेजर पोर्शन है, जिसमें ऊपर 16 के 2 mm हैं, देखो ऊपर 16 के 2 mm, नीचे 12 के 3 mm, और 16 ऊपर 2 mm के सेंटर में एक 12 mm, टोटल 6 rods है। ये दिख रहे हो यहाँ पे दिखाया गया है अच्छे से, मैंने पूरा वीडियो है देखो मज़ा आएगा। ये देखो यहाँ से दिखा रहा हूँ एक व्यू बिल्डिंग का कैसे अच्छा दिख रहा है, स्लैब मोल्डिंग हो रहा है, मोल्डिंग के 2-3 वीडियो बनाऊँगा। देखो ये बीम उन्होंने रिंग लगा के प्लेस कर दिया, ठीक है, रिंग टाई किया अच्छे से। रिंग का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा कितना है, बीम है भाई 8 इंच है, ठीक है। तो देख लो कैसे कॉलम के ऊपर कैसे एक रेन बाहर, कॉलम के बारों के बाहर से एक सेंटर से जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर कवर मेंटेन किया गया है, फुल नीट वर्क चल रहा है, सो दैट्स गुड। सो डू शेयर सब्सक्राइब द वीडियो फॉर इट्स लाइक मोटिवेशन, आई विल मेक मोर वीडियोज फॉर यू बिकॉज एडिटिंग एंड ऑन दिस टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। You can see the beam here, it's looking good and it's the exact cutting length and all. So, ये reinforcement है ना, ये देखो ये बीम डी है, डी में खाली एक्स्ट्रा ऊपर 2 bars है 20-20 का, सॉरी 3 bars 20 का है, नीचे 3 bars 12 का है, क्योंकि वहाँ पे लोड वेरिएशन ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ कैंटिलीवर भी आ रहा है वहाँ पे, तो इसलिए बीम का डाया इंक्रीज़ किया वहाँ पे। तो रही बात स्लैब की, स्लैब का भी जो हमारा रिइंफोर्समेंट है वो है 12x10, ठीक है, 12 mm 10, बॉटम में 10 ऊपर 12, ठीक है। ये देखो बीम अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको, और एक बार देख लो कैसे क्या सिस्टम है इसमें। तो बीम को टाई किया जा रहा है यहाँ पे, एक अच्छा बाइंडर हमेशा काम अच्छा करता है, इसलिए काम इतना नीट दिख रहा है। तो जब भी आपको रिंग डालने के बाद वो एक्स्ट्रा रिंग है तो उसको कोशिश करो एंगल में डालने की, ताकि दो दो एक ही डायरेक्शन में रखो, मतलब वर्टिकली रखोगे तो वेस्टेज हो जाएगा, एंगल में डालो एक तो अच्छा दिख रहा है। देखो ये वही डिस्कस जो पहला फोटो रेड से मार्किंग है, ऊपर और नीचे के डायमीटर वही है ये। तो अब जो इसके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं, हाँ अब स्लैब का रेनफोर्समेंट बॉटम कितना है, तो बॉटम वही है भाई 10 बोथ साइड है, एक क्रैंक दिया जा रहा है बॉटम के ऊपर, जो रेनफोर्समेंट आता 16? है उसको L/4 पे क्रैंक दिया जाता है। अभी अभी चल रहा है बीम, बहुत बड़ा वीडियो है। तो लेट्स नाउ डिस्कस द स्लैब, स्लैब की डिटेल्स भी देख लो आप। उसके बाद कॉलम, ये जब मोल्डिंग हो जाएगा ना, स्लैब हो जाएगा ना, उसमें क्विकली देखो ये ऊपर के 12 के है ऊपर, सेंटर में 12 एक है, सेंटर में 12 है, साइड में 16 2 है, ऑलमोस्ट बीम ए में पूरा यही है। ड्राइंग मैंने अटैच की है वो भी देख लो, और साथ साथ बीम के नीचे अब ये कवर खुला।
ब्लॉक है, 20x25 है, ठीक है। कवर ब्लॉक के देखो प्लेस किया है ऑलरेडी वहाँ पे बीम पे, बीम रेस्ट बीम को किसी जगह लाई करना है ना उसके लिए अच्छे से कवर ब्लॉक होना चाहिए। सो यू कैन सी द अलाइनमेंट इज़ आल्सो गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट हियर, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी द फुल स्लैब ऑफ बिल्डिंग, यू कैन सी हाउ बीम आर रनिंग हियर, हाउ गुड दे आर इज लुकिंग, दैट्स गुड ना, शुड बी। इसका भी रेनफोर्समेंट कल दिखाता हूँ मैं। देखो ये जो है ना क्रैंक की मार्किंग कर रहे हैं ये लोग, क्रैंक जो एलवे फोर पे आ रहा है ना उसका मार्क पहले ही कर रहे हैं। इस पे जो शीट है ना ये शटरिंग शीट, इसी के ऊपर मार्क कर रहे हैं, फिर उसी के हिसाब से उसको प्लेसिंग कर रहे हैं। तो ये देख लो कंटिन्यूवर का जो फ्रंट कवर छोड़ रहे हैं ना, कवर छोड़ के देखो कैसे ये लोग एक प्रॉपर अलाइनमेंट लाने के लिए बाहर का एंड जो है ना वो प्रॉपर ला रहा है ये लोग। अभी नींद खतरनाक आ रही है, बहुत लेट हो गया, सोना है, माफ करो क्योंकि वीडियो को साउंड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो कॉल इंशाल्लाह अपलोड करो, मैं वीडियो को फुल नीट से ये दिखाऊंगा मैं आपको लाइन डोरी कैसे पकड़ते ये लोग। वहाँ तक ये लोग बाहर लाएंगे, उसके बाद कवर है, ठीक है। कटिंग लेंथ के मेजर करेंगे ये लोग, फिर कट करेंगे शॉर्टर स्पन और लॉन्गर स्पन में कितना कैसे रेनफोर्समेंट आता है, ठीक है। ओके ओके, गुड 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 गुड। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट जो है क्या, हाँ देखो और एक बार दिखा रहा हूँ ये लाइन डोरी का अलाइनमेंट नेट से हो रहा है। सो मार्किंग की बात कर रहा हूँ हमें, तो ये रही मार्किंग, ठीक है, ये क्रैंक की मार्किंग है। देखा नींद भारी आ रही है यार, लंबा हो गया, क्या करें, ये तो हो जाएगा क्योंकि इतना चीज़ें डिस्कस करनी है एक ही वीडियो में, छोटे वीडियो में कहाँ से हो पाएगा, इसलिए बड़े बड़े वीडियो आप देख लो पूरा। जो भी देख रहे हो वो कमेंट करो क्या क्या न्यू चीज़ें मुझे ऐड करना चाहिए, क्या कैसे क्या बोलना चाहिए। कुछ वीडियो अच्छे कल से हो रहे लेकिन उसमें ज़्यादा व्यू भी नहीं हो रहे, इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। देखो ये बॉटम रेंज उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पन में डाल दिया उन्होंने ऑलरेडी, बॉटम बॉटम ये वाला, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर वो और एक ये दिख रहा है, ये जो ओवरलैप है ना जो प्रोजेक्शन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और एक प्रोवाइड किया। इस पर ड्राइंग तो नहीं था क्योंकि भी लोकल नॉलेज ऑल्सो मैटर्स, सो यू कैन सी इट हियर। ये रेनफोर्समेंट के ऊपर और एक बार देख रहे हो ना, तो एल बाई फोर पे है ये, ठीक है, सपोर्ट के पास है।